हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको ईपीएस के बारे में। तो आज जो है हम समझेंगे व्हाट इज ईपीएस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईपीएस की फुल फॉर्म के बारे में। भाई ईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर होने वाली कमाई। किसी एक शेयर, किसी भी कंपनी का अगर आपके पास एक शेयर है तो उस पर कितनी कमाई हो रही है, उस पर कितनी अर्निंग हो रही है, वही है ईपीएस। अब आप लोगों को पता ही है जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है। वैसे प्राइवेट पब्लिक दोनों कंपनियों का ईपीएस निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो वो क्या करती है, जब भी उसे फंड की ज़रूरत होती है तो वो पब्लिक से फंड रेज करती है शेयर इशू करके। यानी कि जो कंपनी है ना वो क्या कर लेती है, उसको फंड चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो वो पब्लिक में क्या इशू कर देती है, शेयर्स। पब्लिक में क्या इशू कर देती है, शेयर्स। पब्लिक है ये, पब्लिक में शेयर इशू कर देती है, ठीक है। और उसके बदले में उसे क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, फंड। यानी कि पब्लिक में उसने शेयर इशू किए, फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने 1 करोड़ शेयर इशू किए और एक शेयर है 10 रुपये का, ठीक है। 1 करोड़ शेयर इशू कर दिए और एक शेयर है 10 रुपये का, तो कंपनी के पास कितने रुपए आ गए, 10 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 करोड़। एक शेयर कितने का, 10 रुपये का, तो कंपनी के पास कितनी कैपिटल आ गई, 10 करोड़। तो ये शेयर होल्डर जो होते हैं ना, ये शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं, अगर इक्विटी शेयर की बात करूँ तो ये कंपनी के क्या बन जाते हैं, ऑनर बन जाते हैं, ये रियल ऑनर होते हैं। अब कंपनी इस पैसे से पूरे साल बिजनेस करेगी, बिजनेस करने के बाद में एंड में कंपनी को प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है वो किसी एक ओनर का तो है नहीं, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। मेरे पास एक शेयर है तो मैं जानना चाहूँगा ना, भाई मैंने एक 10 रुपये का शेयर बाय किया था, उस 10 रुपये के एक शेयर पर मुझे कितनी कंपनी जो है कमाई दे सकती है और कितना कंपनी मेरे 10 रुपये पर अर्न कर रही है। ऐसे कैसे, किसी के पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर है, तो वो बोलेगा ना यार 1000 शेयर मैंने बाय किए हैं, 10 रुपये के हिसाब से 10000 रुपये उसने कंपनी में लगाए। तो 1 ईयर जब एंड हो जाएगा और फाइनल अकाउंट बनेंगे तो वो बंदा भी ये जानना चाहेगा ना कि यार 10000 शेयर पर मुझे कमाई कितनी हो रही है। तो उसी के लिए हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो ईपीएस क्या होता है, इसका अगर फॉर्मूला बताऊं मैं आपको ईपीएस का, फिर हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स लेस हो चुका है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। एक प्रेफरेंस शेयर का भी इसमें रोल होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे होते हैं तो। वैसे इंडिया में नहीं होते प्रेफरेंस शेयर इशू, तो उसको मैं नहीं जाऊंगा। सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो आ जाता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी है, उसकी टोटल सेल्स हैं, समझना इसको, ये एग्जाम्पल बहुत काम आएगा आपको, ईपीएस हमेशा याद रहेगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो एस्टिमेटेड डेटा होगा सारा, और आपको समझाने के लिए एक अपने हिसाब से फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं किसी कंपनी की सेल्स हैं 10 लाख रुपीज़ 2021-22, ठीक है। इस एक ईयर की सेल कितनी हो गई, 10 लाख रुपीज़। लेस वो कंपनी उसमें से क्या करेगी, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट मान लेते हैं, टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों आ गई, वो मान लेते हैं इस कंपनी की जो है वो 7 लाख रुपीज कॉस्ट खर्चा आया, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इसमें सभी इंटरेस्ट और लेस करना बाकी है टैक्स, तो ये आ गया 3 लाख रुपीज, ठीक है। आप अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे ना तो इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। तो यही है अर्निंग, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मेरा मकसद ये है इस चैनल पर कि आपको इतना नॉलेज दे दिया जाए कि आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के समझ सकें कि यह कंपनी कैसी है, फ्यूचर में कैसा कर सकती है। तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने पी रेशियो, अभी मैं ईपीएस, ईबीआईटी, ऐसी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि उन चीज़ों का आपको मतलब समझ में आए, ओके। सो ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हो गई 3 लाख रुपीज़। अब इसमें से लेस करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट। मान लेते हैं कंपनी ने कोई लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है, मान लेते हैं कंपनी ने लोन ले रखा है 1 लाख का, तो उसका इंटरेस्ट हो गया आपका
फॉर एग्जाम्पल के लिए 10%, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000, तो वो इंटरेस्ट लेस हो गया। तो अब आपका क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी आ गया, वो कितना आ गया 2,10,000। ठीक है, अब इसके अंदर से लेस कर देंगे हम टैक्स। मान लेते गवर्नमेंट जो है 30% टैक्स लगा रही है, ठीक है, तो इतना ही होता है लगभग, इसके आसपास होता है। इंडियन कंपनी तो 30% और उसके ऊपर सेसेस एजुकेशन सेस वगैरह जुड़ जाते हैं, और अगर कोई फॉरेन कंपनी तो 40% प्लस एजुकेशन सेस वगैरह जुड़ जाते हैं, तो 30% कंपनीज पे टैक्स लगता है। मैं 30% ही ले रहा हूँ, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो वो आ गया 63,000, तो ये टैक्स लेस कर दिया 63,000। ठीक है, तो अब कंपनी का बच गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और पी को आप क्या बोल सकते हैं ई। तो कंपनीज क्या बोलती है इसको, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ऐसी अर्निंग जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स लेस हो चुका है। तो 2,10,000 माइनस 63,000, तो ये आ गया आपका 1,47,000। सारे खर्चे लेस करने के बाद में इंटरेस्ट टैक्स सारे, अब आपके पास जो अर्निंग यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है 2021-22 का, वो हुआ है 1,47,000। मान लेते हैं अब इस कंपनी के जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इक्विटी होते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स, मान लेते हैं इस कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर है वो है 10,000। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर है बेटा, मैं रुपी नहीं बोल रहा हूँ, 10,000 शेयर्स है नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर है 100 रुपीस का, तो टोटल कैपिटल जो है वो मान लेते हैं ये हो गई आपकी 3, 6, ठीक है, तो ये टोटल कैपिटल हो गई आपकी 10,00,000। तो 10,00,000 रुपीस लोगों ने लगा रखे थे, तो उस 10,00,000 रुपीस के ऊपर कमाई जो हुई है वो 1,47,000 की हुई है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10,000। तो किसी टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, तो किसी अगर बंदे के पास में एक शेयर है तो उसके ऊपर कितनी कमाई हुई है, हो सकता है ना किसी ने एक शेयर खरीदा हो, किसी ने दो खरीदे हो, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ शेयर का इस अर्निंग के अंदर क्या कर देते हैं डिवाइड, और यही फॉर्मूला मैंने इधर बताया था आपको, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, तो वही कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप 1,47,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आ गया 14.7 रुपीज पर शेयर। ये क्या आ गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, वैसे भी इसको अर्निंग पर शेयर ही बोलते हैं, तो ये होता है ईपीएस। अब कई सारी कंपनी क्या करती है, ये पूरा का पूरा डिविडेंड दे देती है। अब आप बोलोगे डिविडेंड क्या होता है, तो देखो बेटा अगर ये है एक देवीलाल, ठीक है, इसने लोन दिया है इस व्यक्ति को, इसका नाम है मंगीलाल, इसने इसको पैसे उधार दिए कितने 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इसके पास आ तो गए हैं, लेकिन देवीलाल को बदले में क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा ना, ब्याज मिलेगा ना, तो कोई भी पैसा लगाता है तो बदले में कुछ तो लेना ही पड़ता है ना, इस इंटरेस्ट को और या इसको चीज़ को क्या बोलते हैं रिटर्न, भाई रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर ओ आई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो ऐसे कैसे यहाँ पर जो है कंपनी में इतने पैसे लगाए हैं, 10,000 शेयर बाय किए हैं लोगों ने, 10,00,000 रुपीज़ लगाए हैं, तो उनको उसके बदले में वापस जो रिटर्न मिलता है ना उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो कई कंपनी तो क्या करती है, ये जितना भी ईपीएस है वो पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में दे देती है, कुछ कंपनी क्या करती है कि इसमें से कुछ डिविडेंड दे देती है और कुछ रिटेन अर्निंग कर लेती है, यानी कि कंपनी अपने पास में रख लेती है, लेकिन ये सब कुछ शेयर होल्डर की सहमति से होता है एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो हो सकता है पूरा का पूरा डिविडेंड दे दे, हो सकता है भाई 10 रुपये डिविडेंड दे दिया, बाकी का 4 रुपीज़ और 7 पैसा जो है वो कंपनी ने अपने पास में रख लिया। क्यों रख लिया, ताकि कंपनी में काम आएगा वो फंड, कहीं है शेयर होल्डर का ही वो, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा ईपीएस का मामला। तो ऐसी और कई सारी टर्म्स अगर आप सीखना चाहते हैं ताकि आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद पढ़ सकें, उसको समझ सकें और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकें कि ये कंपनी कैसी है, इसकी ग्रोथ क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।